हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जैसे मैं अभी फिर से ही ये फ्री फायर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इसी गेम का वीडियो बनाया है, आप सब यूट्यूब पे देख ही सकते हैं मेरा वीडियो सर्च करके। अभी हम फिर से इसी गेम में खेलेंगे। कल मैंने रैंक्ड गेम में खेला था, पर अभी मैं लेट्स स्टार्ट रैंक में खेलूँगा। हर मोड में हम खेलेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, और सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ नहीं होएगा, उससे भी कुछ नहीं होता। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर हम देख लेते हैं कि मुझे कौन सी प्राइजेस मिली है। ये एंजन प्राइम रिवॉर्ड नहीं है अभी फ्रेंड्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेपन्स में जाकर मुझे एक अनोखी चीज़ मिली है। ये देखिए, मुझे M4A1 मिल गया और AK का भी मिल गया, और M14 के तो मुझे दो मिल गए। एक ये मिल गया और ये स्टार्टर वॉलेट टेरर मेरे पास पहले से ही है, और देखिए ब्रूजा का भी मेरे पास पर स्प्लेंडर था, वो भी नहीं है। और ये देखिए SKS का मुझे रिवॉर्ड में मिला, और ये देखिए यहाँ पर शोइन लॉबी भी लिखा हुआ है, बस कुछ ही गन के यहाँ पर ही लिखा होता है, बाकी गन्स में तो ऐसा नहीं लिखा है। ये देखिए पहले ये था, अभी ये हो गया। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो गन मेरे हाथ में है ये मुझे कहाँ से मिली। ये देखिए, ये जो आप इसके नीचे देख रहे हैं, ये इस बटन पर दबा के एक्टिविटी मिशन पे जाके ये जो 100 वाला है इस पर ही मुझे ये मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं SKS हस्टेरिया 24 आवर्स 1 घंटे में। ये देखिए अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर 1 मिनट उससे पहले हम अपने कैरेक्टर का सेट देख लेंगे। आप लोग यही चाहते हैं कि अगर आपको फ्री फायर में कोई भी कैरेक्टर मिल जाता है, जैसे कि मेरा है तो है, तो आपको उसका पूरा कैरेक्टर सेट भी चाहिए। जैसे तो मुझे फिस्ट ऑफ फ्लेम मिला है, और उसके बाद ये ब्लेजिंग वॉल ये वाला भी आप लोगों को चाहिए ही, ये भी एक अच्छा है, और अवेकनिंग शार्ड भी प्लस उसके साथ मिलना चाहिए। पर उस अवेकनिंग शार्ड एक अवेकनिंग शार्ड से मिलता है, उस अवेकनिंग शार्ड अगर हमारे पास मिल गई तो हमें हर कैरेक्टर का अवेकनिंग शार्ड मिल जाएगा। मतलब जैसे इस तरह से, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने अभी अनलॉक के ऊपर क्लिक किया, ये होता है इसका कैरेक्टर सेट, यही सब आपको चाहिए। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे नहीं हो पाएगा। ये देखिए अभी इसका वॉइस साउंड भी आएगा अलोक का। देखा, आपको सुना ना उसने क्या बोला। चलिए जाने दीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्लास वर्ड रैंक में खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम क्लास वर्ड रैंक खेलेंगे। अभी मैं गोल्ड 3 पर पहुंचा हूँ, अभी हमें गोल्ड 4 के पार जाना है। वैसे बहुत सारे लोग तो इसमें आसानी से जीत जाते हैं, पर आसानी से कोई भी गेम जीता नहीं जा सकता, क्योंकि हर गेम में हमारा दिमाग लगाना चाहिए। अगर कोई दुश्मन हमें मार रहा है तो छुप करना चाहिए इसमें। इस अगर गेम को जीतने के लिए अगर आप रैंक गेम में खेल रहे हैं सपोज, और आप एक है और कोई दूसरा एक बजाय Alive 2 है, एक आप है और कोई दूसरा, तो फिर इसमें जल्दबाजी मत कीजिए वरना आप हार जाएंगे। आराम से उसके ऊपर नज़र रखिए जहाँ जहाँ वो जा रहा है, और छुप कर बार जगह जिस जगह पर वो हमें देख नहीं सकता। ये देखिए ऐसे ही, ये क्या
ऐसी सावधानी परखनी पड़ती है जैसा अभी मेरे साथ हुआ। सावधानी नहीं परखी मेरे साथ, वो मर गया। अभी मेरा एक साथी आ रहा है, अरे आना। ऐसी सावधानी परखनी पड़ती है अगर कोई दुश्मन आपके सामने, उस पर छुपकर हमला कीजिए। मारे 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 नहीं ऐसा। ओह नो, अभी बस हमारा एक ही साथी बचा है, 2920 यही एक बचा है। अभी वो लोग दो बचे हैं, हमारा कुछ चांस भी हो सकता है जीतने का। मार मार। देखा जैसे मैंने अभी आपको रैंक गेम के बारे में बताया, अरे यार डिफीट। ऐसी सावधानी आपको परखनी पड़ती है। अभी अभी मैं ज़्यादा बोल गया था, अभी इस बार ध्यान देंगे। ये डेजर्ट टीगल ही ठीक है, नहीं फेमस, फेमस के ये देखिए। अभी मेरा इसका कलर चेंज हो गया, एकदम गोल्डन हो गया, क्योंकि मैं क्लैश इसी क्लैश स्क्वाड में गोल्डन 3 पर पहुंच गया। चलिए हम शेयर करते, इस बार ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और सब्र करेंगे, धीरे धीरे सारे दुश्मनों को मारेंगे, छुपेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। और हाँ, आपको तो दुश्मनों को मारनी है अगर वो सामने है। नहीं देखो दुश्मनों को उधर है, ठीक है, ऐसे ही आपको मारना है। अभी मैं यहाँ से ही मार रहा हूँ, देखा मैंने उन्हें कैसे मार दिया। वो लोग तो निकलते जा रहे हैं, भी क्या होएगा, लगता है मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। नहीं हाँ मुझे ही जाना पड़ेगा, पर उधर ये क्या फिर से रिवाइव हो गए सब लोग। शिट, यही एक काम अधूरा रह जाता है, वो फिर से आएंगे, मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। वरना एक दुश्मन उधर उस टावर पे है, आपको आप सबको तो दिख सकता कि वो उधर है, फिर से उधर ही ऊपर। अरे क्या अब तो हम नहीं जा सकते, दुश्मन तो सामने ही है। मैं मर गया, उसको रुका था, हम फिर से हार गए। पर जाने दीजिए, मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो दो लोगों को गिरा दिया था, पर फिर भी बच गए। एमोनेटेड 7, अब कोई गन नहीं बची। एक ग्लू बॉल और ग्रेनेड ले लेता हूँ, ग्लू बॉल और ग्रेनेड, ग्लू बॉल एक और ग्रेनेड एक, हर राउंड में हमें लेनी ही चाहिए। और कब पता चला कि हमारे सारे लोग, पूरे 3 लोग रिवाइव करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, और मैं अकेला ही हूँ, और सामने दुश्मन है। तो ये ग्लू बॉल और ग्रेनेड दुश्मन के पास फेंकने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मेरे पास एमोनेटेड 7 ही है, मैं तो नीचे चला जाता हूँ। दुश्मन सामने ही है, मैं यहाँ पर छुपे रहता हूँ, उनको देख नहीं पाए, वे अंदर आ रहे हैं। वहाँ पर बस 2 ही लोग हैं, अब पता नहीं क्या होगा। आ गए, अरे यार क्या कर रहा है, उधर मत देख, पीछे देख। इतने जोर से फायर किया, पूरा आवाज आ रहा है। अच्छा वे मार मार, हम तो हार ही रहे हैं। अगर उनका फोटो क्या तो हम हार जाएंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। अभी वो जो ग्लू बॉल और ग्रेनेड मैंने लिया तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया, वरना अगर हम उसे यूज़ नहीं करते तो नेक्स्ट राउंड में हमें नहीं मिल पाता। इसलिए उसका अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ करना ही चाहिए। जैसे इससे पहले एक राउंड में एक दुश्मन मुझे मार रहा था, यार मेरा ही होगा।
तो मुझे गाली नहीं दे रहा है। शिट, मर गया ये भी, हम हार गए। जाने दीजिए, अभी मैं क्लैश स्क्वाड बरमूडा में खेलूँगा, जिसका पूरा गोल ट्री चला गया, पूरा लेवल डाउन हो गया गोल ट्री का। चलिए जाने दीजिए, अब हम क्लैश स्क्वाड बरमूडा में खेलेंगे। चलिए भी वॉल पर जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या प्राइजेस मिले हैं। ये अगर इसमें जाकर अभी मैं कुछ एक्सचेंज करूंगा कुछ कार्ड से। ये देखिए ये कार्ड और ये कार्ड और ये, इससे ही हो सकता है। फिर मैं इसे जाकर कुछ एक्सचेंज करता हूँ। एक्सचेंज करेगा क्या मतलब है, मतलब हमारे पास ऐसे मुझे ये कार्ड चाहिए, ये नहीं हो सकता है। मुझे ये वाला बैग चाहिए पर अभी नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये बैग चाहिए, फिर मैं बाकी सारे इन कॉस्ट्यूम्स को लूँगा। इतने सारे कॉस्ट्यूम है इसने मुझे क्लच, मैं अभी मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हो गया, अब हम फिर से क्लैश स्क्वाड रैंक प्ले खेलते हैं। चलिए अभी पहले से ज़्यादा हमें अच्छा खेलना है और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारना है। चलिए अभी G180 ले लेते हैं, क्योंकि M500 से ज़्यादा बेहतर तो वही है। कोई ग्लू वॉल और ग्रेनेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि बस उतने ही पैसे थे हमारे पास। ये देखिए ये फिर से इधर आ रहा है, इधर मत आ भाई पिट जाएगा। सामने दुश्मन था भाई, रिवाइव कर, नहीं सुना उनका एक साथी तो रिवाइव हो जाएगा शायद। मर गया, अच्छा है यार। क्या कर रहा है, जाना कुछ पता है, कुछ लोगों का नेटवर्क कनेक्शन ही ऑफ होता है, मतलब नेटवर्क कनेक्शन पकड़ता नहीं, इसीलिए ये हिल नहीं पा रहा है और नहीं चल पा रहा है। अभी वहाँ के मार देंगे इसे और उनका ही वन हो जाएगा। उन्होंने मारा, अभी हिलना शुरू हुआ। अरे भाग, जब मारना पीछा तब तो नहीं मारा, मर गया। फिस्ट से ही मार दिया इसे, क्राउन किंग उनका ही हुआ। अभी मैं MP5 ले लेता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बचा। अगर हम जीतते तो इन पैसों से ज़्यादा और मिलता हमें, M187 और MP5 मिल जाती। अभी तो मैं सीधा उस बिल्डिंग की तरफ जाऊँगा, ये नहीं उसके उधर। हाँ अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बिल्डिंग की तरफ मैं जाने वाला हूँ। कुछ मन जाने नहीं दूंगा मैं, उसके पास जो भी है वो मैं ले लेता हूँ। शायद इसके पास M187 ही होगी। अभी मैं जाता हूँ ऊपर, मुझे 4 मेडकिट है, पूरा यूज़ भी करना है। मैं यहाँ पर छुपकर यूज़ कर लेता हूँ। अभी बस नहीं बचा हो, अभी मुझे तो ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अभी मैं जाकर देखता हूँ, नहीं उधर नहीं जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो सीधा
तो वही एक रास्ता है। उधर ही था, मर गया मैं अभी। मैंने तो अपना सही अच्छा ही ट्राई किया था। अब ये ले लेता हूँ, ग्लू बॉल, ग्रेनेड। कोई किसी के पास गन नहीं है, एमोनेटेड है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ उस बोट का, हमारे पास है। हाँ चलिए हम चलते हैं अभी सीधा ऊपर जाकर। मैं चलूँगा, एक साथी तो नीचे गिर गया। डाउन HP। अभी चलिए अभी मैं मार देता हूँ यार, मैं भी मर गया। अभी जितने लोग हैं तो छोड़ेंगे नहीं। इनका एक 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 को तो मैंने मार दिया। ये कहाँ जा रहा है, मर जाएगा ये भी। दोनों उधर ही मत जा, मर गया। अब इस बार तो पहले से ज़्यादा मैं ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अभी नहीं, ये ठीक नहीं रखा मैम सेटर। हाँ अभी प्रेफर ले लेता हूँ। एक ही ग्लू वाला अच्छा है। अभी इस मैच में तो हमें पूरा जीतना ही है। अगर ये मैच हार गए तो हम गोल्ड ऊपर आ जाएंगे। मुझे तो गोल्ड फोर पर जाना है। देखता हूँ गोल्ड फोर पर जाकर क्या प्राइस मिलते हैं। इस बार ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनका टीम तो पहले से ही हो चुका है। शिट यार, क्या हो गया। एक साथ मार दिया, हार गए। जाने के लिए आ गए गोल्ड ऊपर। एक स्टार भी कट हो गया। चलिए जाने दीजिए, अभी हम नेक्स्ट टाइम दूसरे मोड पर खेलेंगे, शायद रैम्पेज 2.2 होगा। दो पांच बैटल ड्राइवर जीत कर देता हूँ। अभी वन पर जाके देखता हूँ कि मुझे कौन कौन सी प्राइज मिली। 55। चलिए जाने दीजिए, अभी मैं नेक्स्ट मोड के साथ मिलूंगा आपको इसी फ्री फायर के गेम के साथ। चलिए, और प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। चलिए अब हम नेक्स्ट मोड के साथ मिलेंगे। बाय।